आज हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हैमिस्फेयर के कुछ और क्वेश्चन को समझेंगे पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड हेमिसफेयर निकालना सीखा था आज के वीडियो में हम रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है इन इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो इसलिए इसको हम

तो आपने लिखा डी एम इज्क्ल टू हो गया डायमीटर ऑफ मून इजल टू वन फोर्थ इन टू डी ई यानी ये हो जाएगा डी ई अपॉन फोर अब ये डी ई आप इस साइड लाओगे या आप इसे ही रहने दो इसे थोड़ी देर के लिए हटा दो ये डी ई आप इस साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा डी एम अपॉन डी ई इज्क्ल टू वन अपॉन फोर यानी वन रेशियो फोर में हो गया तो यहाँ हमें निकालना क्या है वॉट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून यानी वॉल्यूम का रिलेशनशिप हमें निकालना है तो सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो गया मून और अर्थ किस शेप में है स्फेयर शेप में तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम होता है फोर अपॉन थ्री आर क्यूब तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा फोर अपॉन थ्री पाईआर ई अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ आर ई से शो करेंगे और वॉल्यूम ऑफ मून हो जाएगा फोर अपॉन थ्री पाई आर एम क्यूब ठीक है पाई आर क्यूब ये फार्मूले में हमने वैल्यू रख दिया जहाँ पर आर एम का मतलब हो गया रेडियस ऑफ मून तो यहाँ हमें दिया क्या है डायमीटर दिया हुआ है अब देखो मान लो थोड़ी देर के लिए समझ लो कि किसी दो स्पेयर से एक का डायमीटर है ट्वेंटी और दूसरे का डायमीटर है टेन ठीक है दोनों में रेशियो क्या है अगर आप सॉल्व करोगे टू रेशियो गया अब ये तो हो गया डायमीटर का रेशियो डी वन अपॉन डी टू ठीक है अगर हमें रेडियस का रेशियो लेना है तो अगर डायमीटर डी वन ट्वेंटी है तो इसका हाफ़ कितना हो जाएगा रेडियस टेन तो रेडियस आ जाएगा टेन और अगर आप डी टू निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा टेन डायमीटर है उसका हाफ़ कर दोगे तो r आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका फाइव अब पहले आर वन है टेन और r2 आया आपका 5 और इसका जरा रेशियो लीजिए आर वन अपॉन आर टू टेन अपॉन फाइव अगेन फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन तो जो डी वन और डी टू का रेशो था टू रेशो वन वही आपको मिला आर वन और आर टू का रेशियो करके टू रेशो वन ये एक एग्जाम्पल है ठीक है उन बच्चों के लिए जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि ये सॉल्व करने के बाद ये यही जो रेशियो यहाँ पे डायमीटर का दिया वही रेशियो रेडियस का होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं जैसे डी एम अपॉन डी ई इसल टू वन अपॉन फोर है तो ये एक फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं सेम नंबर से अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई फर्क नहीं आता तो डीएम डिवाइडेड बाई टू अपॉन डी ई डिवाइडेड बाई टू करने से भी रेशियो वन अपॉन फोर ही आएगा यानी कि आर एम अपॉन आर ई इजक्ल टू वन अपॉइंट फोर आएगा तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो डीएम अपॉन डी ई इजक्ल टू वन फोर सो आर एम अपॉन आर ई इजक्वल टू वन फोर ठीक है अब यहां आपको जो वैल्यू है आपको किसका निकालना है वॉट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून तो सबसे पहले आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ सॉल्व कर दीजिए फोर अपॉन थ्री पाई आर एम क्यू अपॉन फोर अपॉन थ्री पाई आर ई क्यूब अब ये जो इक्वल वैल्यूज हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए फोर पॉइंट थ्री से फोर पॉइंट थ्री कैंसिल पाई से पाई कैंसिल बचा क्या आर एम का क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब यानी रेडियस ऑफ मून का क्यूब अब इनको आप दोनों का क्यूब है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो आर एम अपॉन आर ई का होल क्यूब पूरे का क्यूब ठीक है रेस्ट पर थ्री आर एम अपॉन आर ई रेस्ट पर रेस्ट पर थ्री अब देखो यहाँ पर आपने आर एम अपॉन आर ई ऑलरेडी निकाल लिया है ठीक है तो उसकी जगह आप यहाँ वैल्यू रख दोगे तो वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन फोर रेस्ट पर थ्री और जब इसे सॉल्व करोगे वन रेस्ट पर थ्री तो वो वन ही आएगा और फोर रेस्ट पर थ्री का मतलब है फोर इंटू फोर इंटू फोर तो वो वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी फोर यानी इनका जो वी वी एम अपॉन वी ई है वो आ गया वन अपॉन सिक्सटी फोर वन रेशियो 64. लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी है ये देखो क्या है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ तो अब ये जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है इसको उस साइड शिफ्ट कर दो तो वी एम टू हो जाएगा वॉट फ्रैक्शन वन अपॉन सिक्सटी फोर्थ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून तो ये इसका आंसर हो गया तो इस क्वेश्चन में बस आपको रेशियो निकालना है ये क्वेश्चन जो भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होगा वो रेशियो की हेल्प से सॉल्व होगा ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेमिसफेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट वन सेंटीमीटर थिक इफ द इनर रेडियस इज वन मीटर तो अब इसमें देखिए डायग्राम कैसे बनाओगे आप टैंक है और उसका थिकनेस दी भी है तो ये इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा और इसमें ये सेंटर है सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस मानोगे आप और जो बाहर वाला है उस रेडियस को मानोगे आप कैपिटल आर से ठीक है आउटर वाले हेमिसफेयर का रेडियस कैपिटल आर से इनर वाले हेमिसफेयर का रेडियस स्मॉल आर से तो अमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट वन सेंटीमीटर थिक इसकी जो थिकनेस है वो आपको दी हुई है वन सेंटीमीटर ठीक है थिकनेस, तो अब आप इस पर आपको ध्यान देना ये सेंटीमीटर में है और क्या दिया हुआ है इफ द इनर रेडियस इज वन मीटर आर दिया हुआ है वन मीटर तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो ये हंड्रेड सेंटीमीटर हो गया अब आपको निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन देखिए वॉल्यूम ऑफ आयरन कैसे निकलेगा आयरन का मतलब हो गया ये वाला हिस्सा ये जो ये पूरा वैल्यू है मतलब मोटाई कितनी है उसकी कितना आयरन इस्तेमाल हुआ है क्योंकि अंदर तो गड्ढा है खाली है ठीक है तो इसके लिए आप करोगे आउटर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल टू हो जाएगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम का क्या मतलब आउटर वॉल्यूम के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका चूंकि ये हेमिसफेयर है तो हेमिसफेयर का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब तो पाई और कैपिटल आर क्यूब क्योंकि आउटर वॉल्यूम को आउटर रेडियस को कैपिटल आर से शो किया इसी तरह से इनर वॉल्यूम हो जाएगा टू अपॉइन थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब अब इसमें जो वैल्यूज कॉमन है वो आप बाहर निकाल लोगे टू अपॉइंट थ्री पाई अंदर आएगा आर क्यू माइनस स्मॉल आर ठीक है अब यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कैपिटल आर पता होना चाहिए और यहाँ हमें सिर्फ स्मॉल आर पता है तो इसके लिए क्या करेंगे स्मॉल आर में अगर आप थिकनेस ऐड कर दोगे तो आपको कैपिटल आर मिल जाएगा तो कैपिटल आर का फार्मूला होता है स्मॉल आर प्लस थिकनेस ये दोनों वैल्यूज आपको पता है तो हंड्रेड प्लस वन तो ये सॉल्व करके आ गया वन हंड्रेड वन सेंटीमीटर यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए अब देखिए यहाँ पे दो तरह से कैलकुलेशन की जा सकती है एक तो आर क्यू का मतलब है वन तीन बार इसे आर इंटू आर इंटू आर यानी वन हंड्रेड वन इंटू वन हंड्रेड वन इंटू वन हंड्रेड वन कर लीजिए आंसर आ जाएगा इसी तरह से स्मॉल आर निकाल लीजिए हंड्रेड इंटू हंड्रेड और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। एक तो वो तरीका एक है फार्मूला बेस्ड कर सकते हो ये फार्मूला आर क्यू माइनस आर का मतलब हो गया ए क्यू माइनस बी और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो इस फार्मूले को लगाने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी ठीक है बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है तो आपकी इच्छा है आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं तो मैं आपको ये मेथड लगा के अप्लाई करके क्योंकि वो तो सिंपल मेथड है तीन बार आपने मल्टीप्लाई किया इसको भी तीन बार आपस में मल्टीप्लाई किया और सॉल्व कर दिया अब मैं ये आपको लगा के दिखा रही हूँ तो आर क्यू माइनस आर क्यूब को हम सॉल्व कर देते हैं तो आर माइनस आर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू इस्मॉलॉल आर अब सॉल्व कर दीजिए आर माइनस आर यानी वन जीरो वन माइनस हंड्रेड इसे सॉल्व करोगे वन तो ये हिस्सा हट जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा वन जीरो वन का स्क्वायर प्लस हंड्रेड का स्क्वायर प्लस वन जीरो वन इंटू हंड्रेड ये वैल्यू आ गई वन इस वैल्यू को आप लिखोगे वन जीरो वन का स्क्वायर तो देखिए एक वैदिक मैथ का रूल होता है इसका स्क्वायर निकालने का ये मैं आपको बता रही हूं वन जीरो वन है तो इसमें आप इसको आ, लास्ट में ये दो डिजिट है तो दो डिजिट यहां लिख लिया कि प्लस जीरो वन है इसमें एक्स्ट्रा हंड्रेड हंड्रेड बेस लेके चलते हैं ये भी वन जीरो वन वन जीरो वन इंटू वन जीरो वन करने जा रहे हैं तो इसका भी बेस ये है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन ही आने वाला है तो ये जीरो वन ही आया और इसमें तिरछा ऐड कर दीजिए वन जीरो वन और जीरो वन कितना हो गया वन जीरो टू वन प्लस वन टू हो जाएगा है ना तो वन जीरो टू जीरो वन इसकी वैल्यू आएगी तो वन जीरो टू जीरो वन प्लस अब इसको सॉल्व कर दोगे तो चार जीरो हो गया आपका और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे वन ज़ीरो वन और दो जीरो और एक्स्ट्रा लगा दिया आपने अब इन्हें ऐड कर दीजिए तो दो जीरो दो जीरो और ये जीरो वन हो गया फिर आपका वन वन ही रहा और ये टू तो थ्री हो गया ये ये जीरो 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 रहा और वन प्लस वन प्लस वन तो ये हो गया थ्री तो ये ये वैल्यू आ गई आपकी थ्री जीरो थ्री जीरो वन सेंटीमीटर चूँकि आपने ये सेंटीमीटर में लिया था और सेंटीमीटर क्यूब ठीक है अब ये जो वैल्यू आपने निकाली अब इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे यहाँ पर हम फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे टू अपॉन थ्री टू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू थ्री जीरो थ्री जीरो कैलकुलेशन काफी ज्यादा होता है ध्यान रखिए कि इन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते हाँ बस इतना कर सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसे हमें कम करनी है उस उसको हम कर सकते हैं इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते तो अब आप ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में ठीक है अब कैलकुलेशन अगर मैं करूँगी थोड़ा टाइम लगेगा तो उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये इसका मेथड है अब ये आप खुद कर लेना ओके अब नेक्स्ट है क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड इस् सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर अब यहाँ पे ये मेल्टेड शब्द पे आपको फोकस करना है मेल्टेड एंड रिकॉस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप हमेशा मान के चलिए कि वहाँ आपको वॉल्यूम निकालना है क्यों आप इसको ऐसे समझें जब आप छोटे थे तो आप मम्मी से आटे की गोलियाँ लेके उसको खेलते थे ना या क्ले से खेला होगा आपने छोटी छोटी गोलियाँ हों अगर आटे की और उसको आप अलग अलग आपने ट्वेंटी सेवन गोलियां बना ली हैं इस तरह से ठीक है फिर उनको वापस उस आटे को मिला के तो फिर एक बड़ा सा गोला बन जाएगा ना बड़े साइज का लेकिन उसकी क्वांटिटी आटे की कम या ज़्यादा नहीं होगी वो उतनी ही रहेगी या क्ले है तो उतना ही रहेगा तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या होता है एक चीज़ जो ध्यान है कि वॉल्यूम ऑफ ये लार्जर स्फेयर जो होगा वो टोटल वॉल्यूम होगा सारे स्मॉलर का तो मान लो ट्वेंटी सेवन है तो ट्वेंटी सेवन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेयर तो ये टोटल इसका वॉल्यूम इक्वल टू ये बड़े वाले का वॉल्यूम होगा ठीक है ये फार्मूला अप्लाई करके मेल्टेड एंड रिकास्ट वाले क्वेश्चन किए जाते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड फॉर्म स्फेयर विद सरफ़ेस एरिया एस डेस फाइंड द रेडियस आर आरडेस यानी न्यू जो ये बड़ा वाला बन रहा है इसका रेडियस है आर आरडेस और इसका है आर आपको ये निकालना है तो यही फॉर्मूला तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर इज्कल टू ट्वेंटी सेवन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल वैल्यू पुट कर दीजिए यहां आप लिखेंगे इज्कवल टू ट्वेंटी सेवन अच्छा फोर अपॉइंट थ्री पाई आर क्यूब होता है तो आर डैश क्यूब हो गया ट्वेंटी सेवन इंटू फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब क्योंकि इसका रेडियस आर लेके चले थे हम अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है पाई की वैल्यू नहीं रखनी चाहिए उससे कैलकुलेशन फालतू में बढ़ जाएगा आपका है ना टाइम भी ज़्यादा लगेगा तो क्या करना है ये दोनों वैल्यू में देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया फोर पॉइंट थ्री से फोर पॉइंट थ्री कैंसिल हो गया इसे हटाकर अब आप सिर्फ लिख दोगे आर डैश क्यूब इजक्ल टू ट्वेंटी सेवन आर क्यूब अब ये देखिए ये क्यूब में है तो ट्वेंटी सेवन को क्या क्यूब में बदला जा सकता है बदला जा सकता है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप थ्री आर का होल क्यूब लिख सकते हो क्यूब तो इक्वल टू आ जाएगा अब इसका क्यूब रूट लिया दोनों तरफ तो ये थ्री आर के इक्वल आ गया यानी न्यू रेडियस पहले वाले रेडियस का तीन गुना हो गया ठीक है तो आपको रेडियस आर ऑफ द न्यू स्फेयर मिल गया पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया अब वो कह रहे रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश तो एस अपॉन एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा एस एस का मतलब है सरफेस एरिया और सरफेस एरिया स्क्यर का होता है फोर पाई आर स्क्वायर तो फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई आर डैश स्क्वायर अब देखो फोर पाई से फोर पाई फिर कैंसिल तो इसमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है अब ये फार्मूले में ही सॉल्व कर लिया आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर अब इसको लिख लिया आपने आर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर ठीक है अब यहाँ आर डैश की वैल्यू रख दो ऊपर आर रहा और आर डैश की जगह आपने लिख दिया थ्री आर और इसका होल स्क्वायर आर से आर कैंसिल अंदर वाली वैल्यू क्या मिली आपको वन अपॉन थ्री और उसका स्क्वायर यानी ये सॉल्व करके आ जाएगा वन अपॉन नाइन यानी कि रेशियो आ गया एस रेशियो एस डैश सो एस रेशियो एस डैश इज टू वन रेशियो नाइन तो ये जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं वो कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन से इसमें कैलकुलेशन कम होती है तो ये आसान होते हैं अगर आप इसका तरीका सीख गए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है और इसमें फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको है ना कैलकुलेशन मिस्टेक होने की गुंजाइश भी कम होती है तो इसलिए ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि ये आसान है टाइम कम लगेगा और आपके मार्क्स भी पूरे आएंगे तो ये थे आपके वॉल्यूम ऑफ इस्फेयर एंड हैमी के वो क्वेश्चंस दो वीडियो में मैंने आपको बताए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिसे समझने में बच्चों को दिक्कत आती है